भारत के करेंसी उसकी इज्जत बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए। दोस्तों, डॉलर के मुकाबले रुपए में अब तक की रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। रुपया अब डॉलर के मुकाबले 82.83 रुपए के स्तर पर पहुंचकर नया कीर्तिमान बना रहा है। ऐसे में अर्थशास्त्रों के पंडितों की माने तो रुपया आने वाले कुछ ही घंटों में 83 के स्तर को भी पार कर जाएगा। दोस्तों, रुपए में जारी इस गिरावट के दौर में प्रधानमंत्री मोदी का एक पुराना वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चित हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी रुपए की इज्जत और साख को देश के लिए जरूरी बताते नजर आ रहे हैं। आप भी सुनिए। जो लोग विदेशों में जाते हैं उनको तो बराबर जान मालूम है, आपके जेब में लाखों रुपया पड़े हो लेकिन कहीं एक चाय भी पीनी है तो मिलती है क्या? जब तक डॉलर नहीं होगा चाय नहीं मिलती है। रुपया का डॉलर करना पड़ता है, रुपया का पाउंड करना पड़ता है, करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? अरे वो टैक्सी वाला भी कहेगा, यार रुपया मेरे काम का क्या है भाई, ये तो कागज है, मेरे काम का क्या है, तुम डॉलर में लाओ। भारत के करेंसी उसकी इज्जत बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? विश्व भारत की करेंसी को भी उतना ही सम्मान दे या हम चाहते कि नहीं चाहते? ये रुपये की इज्जत का कमाल है। इसका कारण यह है कि पूरे विश्व में एक विश्वास पैदा हुआ है। अभी तक बहुत लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ा है कि करके क्या आया मोदी। अब आज मैं समझा रहा हूं तो शायद चर्चा शुरू होगी। दोस्तों, आज जब रुपया अपने पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़कर रसातल में जा चुका है तो प्रधानमंत्री साहब का यह पुराना वीडियो अत्यंत ही प्रासंगिक हो जाता है, और इस वीडियो के वायरल होने के पीछे शायद यही कारण भी है। दोस्तों, वायरल वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी की माने तो रुपया का मजबूत होना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक आम भारतीय विदेश जाता है तो उसे तमाम जरूरी वस्तुओं और सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा में ही भुगतान करना पड़ता है, इसलिए रुपए की इज्जत बेहद जरूरी है। लेकिन आज केंद्र की मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रुपए में जारी इस गिरावट को सामान्य बता रही हैं। पिछले 7 साल में डॉलर की कीमत 60 रुपए से 83 रुपए तक पहुंचाने वाली सरकार ने कहा है रुपया अपना नैसर्गिक मार्ग तलाश रहा है, और पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के मुकाबले आज भी रुपया अपनी बेहतर स्थिति में है।